मुझे भी खाने हैं। बेटा तुमने अभी प्रसाद खाया ना, ये तुम अभी नहीं खा सकती हो। हाँ, और वैसे भी डॉक्टर ने परहेज करने के लिए कहा है ना, तो वो करना जरूरी है। ही ही ही, आपको तो बस मौका चाहिए मुझे परेशान करने का, है ना? दिन में ये वाली दवाई दो बार खा लो, अब ये वाली दवाई चार बार खा लो, अब कभी काढ़ा पी लो, कभी कुछ पी लो, अगर चाबी होती ना तो मुझे अलाव कर देती। अलाव करती भी ना तो डांट खाती मुझसे। अच्छा वो सेमिनार पे गई है, और वैसे भी मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, इसमें तेरी बिल्कुल नहीं चलेगी। अच्छा नक्श, इसे खाने दो। हाँ। लेकिन फिर इसकी बदाई कैंसिल। हाँ। नहीं नहीं। वैसे नैतिक, अब तो बिदाई के नाम पे नायरा से जो चाहे करवा लो। दिव्यानी, वैसे तो सारी तैयारी हो गई है, पर फिर से एक बार ठीक से देख ले, कोई कमी ना रह जाए। ठीक कह रही हैं भाभी माँ, आज बिटिया अपने घर जाएगी, अपना नया जीवन शुरू करेगी, सोच सोच के मन बहुत खुश हो रहा है। कब आओगे मुझे लेने का? जल्दी आ जाओ ना, आप रुका नहीं जा रहे। ये मेरी घड़ी पक्का खराब हो गई। पापा आपकी घड़ी में क्या टाइम हो? ये ठीक ही तो है बिल्कुल, इट्स फाइन। नहीं सवाल ही नहीं उठता, दो घंटे पहले भी 7:30 बजे थे। ना बेटा, वो आधा घंटा पहले की बात थी, और तभी तुमने यही कहा था कि मेरी घड़ी शायद खराब हो गई है। इसलिए क्योंकि 1.5 घंटे पहले भी 7:00 बज रहे थे, वो भी आधा ही घंटा पहले की बात थी उससे। बेटा ये जो इंतजार होता है ना, ये ऐसे ही धीरे 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 करके बीतते हैं। तो इस हिसाब से तो 10:15 कल शाम को बजेंगे। अरे आप हंस रहे, दादी ने 10:16 का मुहूर्त निकलवाया नायरा को लाने के लिए, तब तक तो मैं घड़ी देख देख के पागल हो जाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम ना खुद को बिजी कर लो किसी चीज में, कुछ काम कर लो। क्या कर लूं, किसी चीज में मन ही नहीं लग रहा। कैसे लगेगा ध्यान उस तरफ जो है? एक काम करो, बस थोड़ा सा सबर और रख लो, जहाँ इतने दिन बिता दिए वहाँ 2 घंटे और सही। 2 घंटे बहुत होते, पर खैर कोशिश करता हूँ। मैं तो अभी आ जाऊं, पर एनीवेज मैं जैसे ही वहां हूं तुम रेडी रहना, बिल्कुल भी इंतजार मत करवाना। आई कांट वेट। माझी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। बच्चे भी खेलते हैं तो क्यों देते हैं? अंग्रेजी में है कि हिंदी में है ये भी बताते हैं, और कितने शब्द हैं ये भी बताते हैं। अच्छा अच्छा, वो वरुण धवन वाली जो अभी आई है वही फिल्म ना? दादी दमशराज नहीं खेल रही थी, ने मौन व्रत रखा है। क्यों? जब तक नायरा भाभी घर पे नहीं आ जाती, दादी किसी से बात नहीं करेगी। जी पंडित जी, पिछले कुछ महीने बहुत भारी रहे हैं हम पर, खास तौर पर हमारे बच्चों के लिए, नायरा की बीमारी, उसका ऑपरेशन, पर अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। तो माँ जी कोई चांस लेना नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने मन्नत मांगी है, नायरा घर आ जाएगी वो अपना व्रत खोल देंगी। बहू रानी की तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ बिल्कुल ठीक है अभी तक तो। वो डॉक्टर ने जो कहा था कि याददाश्त के कुछ असर होने का डर है, वैसा तो अभी तो कुछ दिखाई नहीं दिया है। भगवान बड़ा कृपालु है, आप उनका ध्यान करिए तो वो आपका ध्यान रखेगा। सो तो है पंडित जी, इतने दिन अस्पताल में थी तो साथ साथ उसके पैरों का भी इलाज हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे मुश्किल दिन अब खत्म होने को है, अब अच्छे दिन आएंगे। हाँ जजमान, सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन मैं माँ जी की मन स्थिति को समझ रहा हूँ। क्या होता है कि कभी कभी तिथि और मुहूर्त अच्छे होने पर भी कोई साया ऐसा पड़ जाता है घर परिवार में, सब अच्छा होके भी अच्छा नहीं होता। माँ जी शायद उसी का उपाय कर रही हैं। यही सोच के तो हमने आज हवन रखा है, ताकि नायरा का गृह प्रवेश शुद्ध वातावरण में हो। सब अच्छा ही होगा स्वर्णा, सब अपने साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। Thank you.
आइए। प्लीज हमें और इंतजार न करवाइए। अभी टाइम कहाँ हुआ है जनाब? अब रेडी होने का तो टाइम फिक्स नहीं हुआ था, तो पहुंचो। हाँ बस जा रही हूँ। जा रही हूँ मत कहो, बस आ रही हूँ कहो। आपको हंसी आ रही है जालिम हसीना, या हमारे निकले जा रहे पसीना? तो नहा लीजिए मेरे हुजूर, और डीओपी लगाना जरूर, क्योंकि अगर मुझे आई स्मेल तो आई विल मेक योर लाइफ हेल। लाइफ तो ऑलरेडी हेल है तुम्हारे बिना नायरा, अब और वेट नहीं हो रहा। मुझसे भी नहीं हो रहा है कार्तिक, तुम जल्दी से आ जाओ ना। तो शुरू करें? यस। सोच लिया है ना अखिल, कहीं कोई गलती तो नहीं करने जा रहे हैं ना आप? नहीं, मेरा मतलब है, आर यू श्योर? अब नहीं होऊंगा तो फिर कब होऊंगा सरेगा? अखिल, आज नायरा घर आ रही है। कार्तिक और नायरा के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। घर में हवन है, सब लोग बहुत खुश हैं। उन दोनों के लिए मैं भी उतना ही खुश हूँ सरेगा। मेरा गुस्सा, मेरी तकलीफ अपनी जगह है, लेकिन उन दोनों के लिए मेरा प्यार, उसमें कभी कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दुख, मेरी परेशानी किसी को नजर क्यों नहीं आती? देखा ना तुमने, मैं नायरा को लाने नहीं गया तो भाई साहब ने इंसल्ट तक नहीं किया। एक बार कहा मैं नहीं जाऊंगा तो उन्होंने कहा ओके। उन्हें लगा होगा कि आप यहाँ पे माजी के साथ यहाँ का काम देख लेंगे, हवन की तैयारी बाकी सब। जाने दो ना सुरेखा। वही तो मैं भी कह रही हूँ अखिल, जाने दीजिए ना, मत उठाइए ये बात आज। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत तकलीफ होगी सबको। माजी भाई साहब, आपको तो पता ही है ना, बहुत मुश्किल है। Exactly. मुझे तो पता ही है कि कितना मुश्किल है, पर शायद किसी और को पता नहीं। पर अब चल जाएगा। Bye.
नाता क्या रिश्ता कहलाता, बस तेरा बन के रहूं ओ मोरे सैया। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।